दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं आया एग्जिट पोल, समर्थकों को दी नसीहत केवल काउंटिंग पर। मध्य प्रदेश को लेकर आए एग्जिट पोल पर दिग्विजय सिंह नाखुश है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे एग्जिट पोल की जगह मतगणना पर ध्यान दें। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर आई एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि वे जिस राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वे टीवी चैनलों ने वहां एग्जिट पोल नहीं किया है। उन्होंने इसके साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे केवल मतगणना पर ध्यान दें। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा गया है और केवल मतगणना के दिन की मेहनत बाकी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, राजगढ़, गुना और आगर मालवा। अगर किसी टीवी चैनल को यहां एग्जिट पोल करना था तो उसको इन 3 जिलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे? राघोगढ़ से लेकर सुसनेर तक एक ही दिन में एक साथ वोट डालना, बाहर आ रहे लोगों से पूछना कि किसको वोट दिया और एग्जिट पोल तैयार करना संभव नहीं। इसके लिए कम से कम 100 लोगों से ऊपर की टीम चाहिए। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल्स में राजगढ़ शामिल नहीं है। हम लड़े और जीतेंगे, दिग्विजय सिंह। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पार्टी नेताओं से अपील करते हुए लिखा, मेरी अपने सहयोगियों और समर्थकों से अपील है कि मतगणना पर ध्यान रखें ताकि कोई गड़बड़ी न होने पाए। राजगढ़ में चुनाव आप सबकी कड़ी मेहनत और जनता के समर्थन से लड़ा गया है, बस एक काउंटिंग वाले दिन की मेहनत बाकी है। हमारे मतगणना एजेंट से बस एक अनुरोध और है, जब तक नतीजा घोषित न हो जाए तब तक अपनी टेबल ना छोड़ें। हम लड़े हैं और हम जीतेंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 28 सीटें जीती थी। वहीं एग्जिट पोल के रुझानों में बीजेपी 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीटें जीत सकता है।